हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 25। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। फोकस कीजिएगा, मैं 5 क्वेश्चन को फोकस कर देता हूँ आपके यहाँ। देखिएगा, 5 जो क्वेश्चन है आपको, जो 5th क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो है फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -1/2। फाइंड आउट रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -1/2। ठीक है, -1 एंड -1/2 को आप फोकस कीजिएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम पहले इनके एलसीएम लेते हैं, मीन्स डिनोमिनेटर सेम करते हैं, उसके बाद जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। एक तो ये तरीका है, या फिर आप डायरेक्ट ही भी किसी भी नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई कर दें कि उसके बीच में ये नंबर आ जाएं। ठीक है, चलो हमने 16 से कर दिया मल्टीप्लाई यहाँ पर, या डिनोमिनेटर में 16 से किया है तो अपर साइड भी 16 से करेंगे। कितना आ जाएगा, -16/16 आ जाएगा। अब -1/8 को भी तो 16 बनाना है, -1/2 को भी तो 16 बनाना है। यहाँ पर 2 है और हमें लाना क्या है, 16। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 से। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, 8 से। देखिएगा, दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम बनाने हैं, चाहे पहले आप एलसीएम ले लीजिएगा फिर किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ऐसा मल्टीप्लाई कीजिएगा जिससे इसको भी उसके इक्वल किया जा सके। तो 4 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं बिटवीन -1 एंड -1/2। क्या जाएगा, देखिए -8/16 है यहाँ पर, यहाँ पर -16/16 है। देखिएगा, -9/16, -10/16, -11/16, -12/16। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हैं आप। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस में बहुत से आंसर होते हैं। यहाँ पर आपने अगर 16 लिया या 32 लेते तो कुछ और आंसर आता, कोई और नंबर लेते तो कोई और आंसर आता, यानी कि इन दोनों के बीच में अनकाउंटेबल नंबर्स हैं जो कि हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। 16 की मैंने यहाँ मल्टीप्लाई की पहले, तो क्या आ गया, -16/16 आ गया। अब मुझे 16 लाना है डिनोमिनेटर में, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 16 आ जाए, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 2 जे क्या होता है, 16 होता है। 8 2 जे क्या होता है, 16 होता है। जब यहाँ पर हमने 8 की मल्टीप्लाई करी तो अपर साइड भी किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की। क्या जाएगा, -8/16। अब देखिए, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 16 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 16 है, तभी तो हम इन दोनों के बीच के नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे। हमें फाइंड करने हैं 4, कोई से भी 4 ले लीजिए डियर स्टूडेंट, एनी 4 यू कैन टेक, कोई ज़रूरी नहीं आप सीरियल से लें। -9/16, -10/16 इसको ना लेके आप -12/16, -13/16, 14/16, -15/16 ले सकते हैं, बट आपको इन दोनों नंबर को नहीं लेना है। समझ रहे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इन दोनों के बीच के नंबर हमें फाइंड करने हैं, ना कि ये सभी। बीच के मीन्स बिटवीन वाले नंबर हमें फाइंड करने हैं, तो हम इन दोनों नंबर को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 6 को आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बुक में रीड कीजिए आप। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड -1/2। देखिए, 6 क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं, और किसके, 3/8 के और -1/2 के बीच में। अब हमने
कितने फाइन करने, 6 फाइन करने, ज़्यादा फाइन करने तो ज़्यादा बड़े नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 8 जा 56। जब यहाँ पर 7 से किया तो अपर साइड भी 7 से कर देंगे, कितना आ गया 21/56 आंसर। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 56 आ जाए। तो हमने क्या किया, 28 से मल्टीप्लाई कर दी। जब 28 से डिनोमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 से ही अपर साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, आप इसमें किसी भी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, देर इज़ अ नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी अपने माइंड में रखना है मल्टीप्लाई करते समय कि वो नंबर हमें यहाँ भी चाहिए, दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर में भी। किससे मल्टीप्लाई करें, ऐसा मल्टीप्लाई करने से आ सकता है या नहीं आ सकता, वो आपको सोचना है, ठीक है। हमारे दोनों क्या होने चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, या आप पहले एलसीएम ले लो, आप इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को क्या हो जाएगा, 21/56 हो गया और इसका -28/56 हो गया। अब हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, सो 6 रेशनल नंबर बिटवीन माइनस बिटवीन 3/8 एंड -1/2। तो देखिएगा इन दोनों के बीच में ले रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या है, ये दोनों तो फोकस है, अब हमने इन दोनों को इस रूप में चेंज कर लिया। तो यहाँ से देख लीजिएगा, 27/56 माइनस का, माइनस के 26/56, माइनस के 25/56। मैंने बोला है कोई ज़रूरी नहीं हम कंटिन्यूसली लें, बीच में छोड़ भी सकते हैं। अब हमने प्लस का ले लिया, 1/56, 2/56, 3/56 को और आगे भी ले सकते हैं, 10/56, 11/56, कुछ भी ले सकते हैं, जितने नंबर हमें चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच में होने चाहिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, सो टेक दिस स्क्रीनशॉट आल्सो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये सेवेंथ एंड एट्थ दो क्वेश्चंस आपके हैं जिनमें हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल आप ये 6 क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार से। 7th और 8th को मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा, ठीक है। चलिए समझ में आना चाहिए मेनली, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये आपको ये क्वेश्चन ये समझाया है, अभी मैं इसका अगर पहले एलसीएम लेके करूँगा तब भी आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने ये अभी पहले क्या किया, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद मुझे ये सोचना पड़ा कि मैं यहाँ पे 56 कैसे बनाऊँ। तो इससे बेटर ऑप्शन आपके पास मैं दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने क्वेश्चन फर्स्ट भी कराया, तो ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से करा रहा हूँ। ये आपका 6 पार्ट है, सेकेंड मेथड से है, मतलब पहले जो एलसीएम लेने वाला है। देखिएगा 3/8 है और -1/2 है, 3/8 यहाँ पर 8 है, मुझे यहाँ पर 8 बनाना है। मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 की जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा वो 4 से करूँगा, 4 के नीचे करूँगा, 4 के ऊपर करूँगा, तो -4 आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने पहले 8 और 2 का एलसीएम लेके इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लिया है, ठीक है। एलसीएम यहाँ मतलब हम यहाँ पर एलसीएम नहीं ले सकते, एलसीएम नहीं कह पाएंगे उस चीज़ को, लेकिन हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं। एलसीएम तो हम लेंगे, बट क्या कहेंगे, उसको ऐड नहीं कर देना। आप कभी सोचो कि हमने एलसीएम के लिए बोला तो आप उसको ऐड कर दें, ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ बीच में एंड लिखा है, दोनों नंबर अपने में अलग अलग हैं। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, और मुझे यहाँ पर भी 8 बनाना है। कैसे बनाऊँगा, 2 की जब मल्टीप्लाई 4 से कर दूँगा तो 8 आ जाएगा, जब 4 से यहाँ मल्टीप्लाई की तो अपर साइड में 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, -4/8 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या आ गया आपका, 3/8 एंड -4/8 आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो कितने आ सकते हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ भी 6 आ सकते हैं आपके, यहाँ इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए कोई बात नहीं, देखिए 3/8 है, 2/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
माइनस वन अपॉन एट, माइनस टू अपॉन एट, माइनस थ्री अपॉन एट, यहाँ से भी आ जा रहा है स्टूडेंट्स। देखिएगा आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, देर इज़ अ नो नीड ऑफ इट, इसकी भी क्या है ज़रूरत नहीं है। बस आपने एलसीएम लिया और इस दोनों नंबर के बीच में आपके सिक्स आ रहे हैं जो कि आपको सिक्स चाहिए, ठीक है। सिक्स चाहिए तो क्या आ जाएगा, देखिएगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिक्स जो रेशनल नंबर होंगे आपके क्या होंगे, माइनस थ्री अपॉन एट, माइनस टू अपॉन एट, माइनस वन अपॉन एट, जीरो, वन अपॉन एट, टू अपॉन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। समझ में आ गए स्टूडेंट्स, ये भी हो जाएंगे और जो मैंने ये किया था आपको फिर से मैंने टू से मल्टीप्लाई किया और ये भी हो जाएंगे। देखिए कितने सारे नंबर इसके आ सकते हैं, तो ठीक है जो अब आपको नहीं करना मैं उसको कट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है इसको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर जब यहीं से मिल गया तो हमें टू से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से हमारे सिक्स, अगर यहाँ पर सेवन मालूम किया होता कि सेवन रेशनल नंबर बताइए तो हमें ये करना पड़ता, लेकिन हमारा सिक्स मालूम किया तो सिक्स इसके बीच में हमारे आ जा रहे हैं, इसलिए हम यहीं से ही इनके बीच के नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया, थ्री अपॉन एट पहले इसका एलसीएम लेके हमने दोनों के डिनोमिनेटर को सेम किया, फिर चेक कर लेते हैं, ऐसी फिंगर पे चेक कर लीजिए अपना कि भाई ये थ्री अपॉन एट है और यहाँ माइनस है, तो थ्री में जाएंगे क्या जाएगा, टू अपॉन एट बचेगा, एक एक वन अपॉन एट आएगा, एक ज़ीरो आएगा, फिर माइनस आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एट, माइनस टू अपॉन एट, माइनस थ्री अपॉन एट, माइनस फोर अपॉन एट, तो आ नहीं सकता क्योंकि ये यहाँ पर लिखा है, तो सिक्स नंबर हमारे आ गए हैं, तो सिक्स नंबर यहाँ मालूम करता तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जा रहा है इन दोनों के बीच से, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया गया है कि पहले एलसीएम ले लें या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, मेन है हमारे दोनों नंबर के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, उनके बीच में कोई से भी छः नंबर आने चाहिए, ठीक है, और उनमें से हम छः से मतलब जितना क्वेश्चन में गिवन है, अगर टू मालूम कर रहा है तो टू आने चाहिए, थ्री मालूम कर रहा है तो थ्री आने चाहिए, जितने क्वेश्चन पुट अप करना चाह रहा है कि इतने मुझे रेशनल नंबर दीजिए लिख के, तो आप उतने लिख के देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।